हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो मतलब हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का जो चैप्टर वन है, हॉस्पिटल फार्मेसी, उसका लेक्चर नंबर टू है। इससे पहले वाली क्लास में हम लेक्चर वन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, और क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस क्या चाहिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनने के लिए, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के, यानी उसकी क्या क्या जॉब स्पेसिफिकेशन होती हैं, वर्कलोड कितना होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पे रिक्वायर्ड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जैसे कि एक फार्मासिस्ट का एक डॉक्टर के साथ कैसा रिलेशन है, या जो कंपाउंडर है या जो नर्स है उनके साथ कैसा रिलेशन है, वो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का कैसा है वो बढ़िया होना चाहिए, जो भी अदर प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिसके क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और एंगेज इन हॉस्पिटल फार्मेसी सर्व इन पब्लिक सेक्टर, यानी जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं ये एंगेज, यानी कहाँ पे काम करते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी में सर्विस देते हैं और पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, यानी पब्लिक सेक्टर के लिए ये काम करते हैं। दे और स्किल्ड इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, वो स्किल्ड होते हैं किसमें, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड डिस्पेंसिंग, प्रिस्क्रिप्शन और परचेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग में परफॉर्म क्वालिटी टेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, यानी उनके पास ऐसी ऐसी स्किल्स होती हैं कि वो अपने मेडिकल को डिस्पेंस कर सकते हैं, परचेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, परफॉर्म क्वालिटी टेस्ट, अगर कोई भी क्वालिटी टेस्ट परफॉर्म करना हो किसी भी मेडिसिन का हॉस्पिटल में तो वो भी कर सकते हैं। बीइंग द मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम, दे कोऑर्डिनेट विथ मेडिकल एंड नर्स स्टाफ फॉर बेटर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, यानी मतलब वो एक हेल्थ केयर टीम के मेंबर के होने अनुसार तो उन्हें क्या है कि उनके अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो भी अदर मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ है उनके साथ, किसके लिए मतलब क्यों, क्योंकि पेशेंट को बढ़िया बेटर ट्रीटमेंट मिल सके। दे हेल्प एंड रिफेर नॉलेज टू पेशेंट ऑन देयर मेडिसिन, यानी वो हेल्प करते हैं और रिफेर करते हैं अपनी नॉलेज पेशेंट को ऑन देयर मेडिसिन, यानी मेडिसिन की उनको पूरी नॉलेज दी जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट देखते हैं अब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो देखिए। टू फॉलो द हॉस्पिटल पॉलिसी एंड कवर अदर फ्रॉम दैट, यानी पहला बात जो हॉस्पिटल की फार्मेसी पॉलिसीज होती हैं उनको फॉलो करना और जो और लोग हैं उनको भी फॉलो करवाना। टू मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ डोसेस और प्रिस्क्राइब्ड, यानी जो डोजेस प्रिस्क्राइब की गई हैं उनकी एक्यूरेसी मेंटेन रखे, यानी कोई भी गलती ना हो, ये भी किसका काम होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। टू प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू न्यू स्टाफ एंड और ऑफ ए न्यू ड्रग टू ऑल स्टाफ, यानी फार्मासिस्ट का ये भी काम होता है कि वो ड्रग की इन्फॉर्मेशन दे और उसको कैसे लिया जाता है, मतलब वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताए किसको, जो न्यू स्टाफ आता है या कोई भी नया ड्रग आया हो तो सारे स्टाफ को बताए कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है और उसके ड्रग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने का काम किसका होता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। टू रिमेन अपडेट अबाउट न्यू ड्रग, और उनको अपडेट रहना पड़ता है जो भी न्यू ड्रग आ रहे हैं, ये भी उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी न्यू ड्रग आ रहे हैं उसके ऊपर अपडेट रहें, जैसे उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, एक्सेट्रा। टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग, और एक और ये भी काम है उनका कि वो इंस्ट्रक्शन दें पेशेंट को वो अपने आप भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं ड्रग को, यानी जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग होते हैं उनके बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन दें। टू टेक पार्ट इन न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इनका ये भी काम है कि ये जो नए नए रिसर्च होते हैं डेवलपमेंट होते हैं उनमें भी ये अपना योगदान दें या मतलब उसमें पार्ट रहें। टू एजुकेट एंड मेक ट्रेंड द फार्मासिस्ट, यानी एजुकेट करें और ट्रेंड करें फार्मासिस्ट को, एंड फार्मासी स्टूडेंट और टेकिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी जो भी फार्मेसी स्टूडेंट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको अच्छी से ट्रेनिंग दिलवाए, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है उनका यही काम होता है, और एजुकेट भी करवाए, उनको अच्छी सी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की वो देखिए। द चीफ फार्मासिस्ट मस्ट हैव मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन फार्मेसी, यानी जो चीफ फार्मासिस्ट होता है
उसके पास मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इन स्पेशली देखा जाए तो फार्माकोलॉजी में या हॉस्पिटल फार्मेसी में, स्पेशली किस में, फार्माकोलॉजी और हॉस्पिटल फार्मेसी में। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट शुड हैव ग्रेजुएट डिग्री इन फार्मेसी विद मिनिमम 18 मंथ्स यानी एक्सपीरियंस इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। यानी जो ये तो हो गया चीफ फार्मासिस्ट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर वहीं हम मैन्युफैक्चरिंग जो केमिस्ट होता है उसके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और 18 मंथ्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में। डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट शुड हैव मिनिमम डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी जो डिस्पेंसिंग होते हैं जो दवाइयों को डिस्पेंस करते हैं उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा। और जो पीएचडी डिग्री होल्डर इज प्रिफर्ड इन ऑल कैटेगरी, यानी जो पीएचडी होल्डर होते हैं वो सारी कैटेगरी में प्रिफेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले बात कर रहे हैं चीफ फार्मासिस्ट की, तो उनके पास क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट में, जैसे फार्माकोलॉजी हो गया या हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट। अब सेकंड हम बात करें जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं केमिस्ट होते हैं उनके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए यानी बी फार्मा हो गया, प्लस उसके साथ 18 मंथ्स का जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वहीं हम थर्ड बात करें जो फार्मासिस्ट डिस्पेंस करते हैं ड्रग को, डिस्पेंसिंग का काम करते हैं फार्मेसी में, तो उनके पास डी फार्मा होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम। और जो पीएचडी होल्डर होते हैं वो सारे इन कैटेगरी में काम कर सकते हैं जो पीएचडी होल्डर होते हैं। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, चीफ फार्मासिस्ट हैव दिस क्वालिटीज, यानी एक चीफ फार्मासिस्ट के पास ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। यानी जो चीफ फार्मासिस्ट है जो सारे फार्मासिस्ट के ऊपर काम करता है, यानी एक हॉस्पिटल का एक चीफ फार्मासिस्ट होता है वो सारे फार्मासिस्ट हैं उनको मैनेज करता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एबिलिटी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एबिलिटी होना चाहिए। यानी ए फार्मासिस्ट हैव टू एबिलिटी ऑफ प्लानिंग, यानी एक फार्मासिस्ट के पास प्लानिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग द फार्मेसी पॉलिसीज, जो फार्मेसी पॉलिसीज होती है उनको इम्प्लीमेंट कर सके इतनी भी उनकी होनी चाहिए नॉलेज। और एबिलिटी ऑफ मेकिंग बजट, यानी वो बजट भी बनाना, मतलब उनको बजट बनाना भी आना चाहिए और स्टॉक कंट्रोल भी आना चाहिए। ही सी शुड हैव एबिलिटी टू इंटरव्यू एंड सेलेक्ट स्टाफ फॉर फार्मेसी, यानी उनके पास इतनी भी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंटरव्यू ले सकें और अपने जो फार्मेसी जो स्टाफ है उसको सेलेक्ट कर सकें। ही शुड हैव टू एबिलिटी टू मैनेज स्टाफ एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्क बिटवीन देम, यानी उनके पास इतनी भी मतलब एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टाफ हैं उनको मैनेज कर सकें और इनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकें उनके बीच में, उनके आपस के बीच में वर्क को भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये कि मतलब जो चीफ फार्मासिस्ट के पास ये सारी क्वालिटी होना चाहिए, यानी वो एक प्लानिंग कर सकें और बजट बढ़िया स्टॉक कंट्रोल कर सकें, इंटरव्यू ले सकें और मैनेज भी कर सकें। और मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी की बात करें तो ही शुड हैव एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर ड्रग इन द केस ऑफ शॉर्टेज और हाई कॉस्ट ऑफ ड्रग देन नॉर्मल, यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी की बात करें तो उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ड्रग बना सके शॉर्टेज कंडीशन में, यानी अगर कमी हो रही है तो, या तो हाई कॉस्ट होने की वजह से या ड्रग का जो नॉर्मल कॉस्ट है उससे हाई कॉस्ट हो जाता है जब ऐसी कंडीशन में, नहीं तो शॉर्टेज हो रहा हो जब, तो वो अपने आप ही मतलब वो अपना ड्रग जो है मैन्युफैक्चर कर सकें, इतनी उनके पास होनी चाहिए एबिलिटी। नॉलेज की बात करें थर्ड, ही शी शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट ड्रग एक्शन साइड इफेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, यानी उसके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए जो कॉम्प्लेक्स नॉलेज मतलब कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जैसे ड्रग एक्शन जो भी ड्रग है उसका ड्रग एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है और वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसका, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये सारी नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। अब बात करें रिसर्च एबिलिटी की, तो ही शुड हैव एबिलिटी टू रिसर्च एंड डेवलप न्यू ड्रग, यानी उनके पास इतनी भी एबिलिटी होनी चाहिए को वो न्यू ड्रग की रिसर्च कर सकें और उनको डेवलप भी कर सकें। टीचिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, ही शुड हैव एबिलिटी टू गिव लेक्चर टू नर्स स्टाफ एंड स्टूडेंट और अंडर ट्रेनिंग, यानी उनके पास टीचिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, कैसे कि जो भी नर्सिंग स्टाफ उनके अंडर में काम कर रही है या भी जो ट्रेनिंग फार्मासिस्ट होते हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको अच्छे से वो लेक्चर दे सकें। ठीक है, ये होना चाहिए चीफ फार्मासिस्ट के पास, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब देखते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। देखिए, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और एम्प्लॉय बोथ MOH एंड प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल प्राइमरी सर्विस, यानी मतलब जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है ये एम्प्लॉय बोथ किए जाते हैं मतलब MOH में भी और प्राइवेट सेक्टर जो हॉस्पिटल फार्मेसी होते हैं सर्विस होते हैं उसमें भी।
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग ड्रग, परफॉर्मिंग क्वालिटी चेक, यानी वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखिए, ड्रग डिस्पेंस करने में यानी ड्रग को बांटने में यानी देने में, और परफॉर्म क्वालिटी चेक, क्वालिटी चेक अगर करनी हो तो वो परफॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मुलेटिंग एंड रीफॉर्मुलेटिंग डोजेस फॉर्म, फॉर्मुलेटिंग करना या रीफॉर्मुलेट करना जो डोजेस फॉर्म है उनको, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ड्रग सेफ्टी, ड्रग सेफ्टी के बारे में मॉनिटर करना, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग देना, वो सारे ये काम कर सकते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। क्रिएटिंग मेडिटेशन, जो मेडिकेशन बजट होता है यानी जो मेडिसिंस का बजट होता है उसको क्रिएट करना, ये भी एक जॉब स्पेसिफिकेशन है किसका, और स्टोरिंग मेडिसिन को स्टोर करना, और प्लानिंग ऑफ ड्रग क्वालिटी फॉर हॉस्पिटल्स यानी ड्रग की जो क्वांटिटीज हैं उनको प्लानिंग करना है, कितनी क्वांटिटी हमें रखनी चाहिए कितनी नहीं, वो सारा काम होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हेंस हॉस्पिटल फार्मासिस्ट परफॉर्म दी फॉलोइंग टास्क पर डे, यानी जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है ये सारे टास्क ये करता है पूरे दिन में। देखिए, कॉन्स्टेंटली सुपरविजिट फार्मेसी रिलेटेड सर्विस एंड लॉजिस्टिक, यानी वो सुपरविजिटिंग करता है फार्मेसी रिलेटेड सर्विस होते हैं उनको और लॉजिस्टिक्स को, राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन एंड एश्योरिंग द इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग, यानी प्रिस्क्रिप्शन जो लिखे वो एश्योर करना है इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग, प्रिपेयरिंग ईच ड्रग एंड एडेप्टिंग डोजेस फॉर्म टू द स्पेसिफिक सर्कुलेशन सर्कुलेंस, ठीक है, रिपोर्टिंग ऑल द पॉसिबल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम एंड सॉरी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, यानी रिपोर्ट करना कहाँ पे जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब कहाँ पे सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी में, कम्युनिकेटिंग टू हेल्थ प्रोवाइडर रिगार्डिंग DRPS, यानी जो कम्युनिकेट करना हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोवाइडर होते हैं उनके साथ, अटेंडिंग फार्मेसी मैनेज क्लिनिक्स एंड क्लिनिकल राउंड लेड टू बाई ईच हेल्थ प्रोवाइडर, यानी अटेंड करना जो फार्मेसी मैनेज क्लिनिक्स होते हैं उनको और जो क्लिनिक्स और पास जो क्लिनिकल राउंड में उनको भी, प्रोवाइडिंग सफिशेंट डाटा ऑन ड्रग कंजप्शन, यानी ड्रग कंजम्पशन के ऊपर डाटा प्रोवाइड करना, कीप ए ट्रैक ऑफ ड्रग इन्वेंट्री एंड क्रिएटिंग मेडिसिनल बजट, यानी सेम वही है कि मतलब ट्रैक करना कि जो ड्रग की इन्वेंट्री है वो कितनी है और बजट बनाना उनका, ऑफरिंग सर्विस फॉर ड्रग इन्फॉर्मेशन, ड्रग इन्फॉर्मेशन की ऑफरिंग मतलब सर मतलब ड्रग मतलब जो ड्रग की इन्फॉर्मेशन है वो पेशेंट को बताना, ऑफरिंग करना, और ऑफरिंग फार्मासी रिलेटेड ट्रेनिंग टू अंडर एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, यानी जो अंडर और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं उनको फार्मासी से रिलेटेड ट्रेनिंग के बारे में ऑफर देना, ठीक है, ये सारा काम है उनका डेली का। वर्कलोड कितना है ये देखिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पे, वर्कलोड रिक्वायर्ड फॉर ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, वर्कलोड का मतलब होता है हाउ मच वर्क कैन पर्सन डू इन स्पेसिफिक टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में एक आदमी जो कितना काम कर सकता है उसे हम बोलेंगे वर्कलोड। द वर्कलोड ऑफ फार्मासिस्ट ऑब्जर्व एंड एनालाइज बाई वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो मतलब जो फार्मासिस्ट का वर्कलोड है वो ऑब्जर्व किया गया है और एनालाइज किया गया है वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए सम कैरेक्टरी और वर्किंग पर वीक, यानी वर्किंग आवर पर वीक, यानी एक हफ्ते में वो कितने घंटे काम कर रहा है, वर्क मतलब कितने घंटे वो काम कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स दैट ए पर्सन स्पेंड वर्किंग एलोन इन हिज एंड हर डिपार्टमेंट, यानी जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं आपने हॉस्पिटल में देखा होगा वो अपने डिपार्टमेंट में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है वो भी देखा जाता है, नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर फील्ड बाई फार्मासिस्ट डेली, यानी उसने डेली कितने जो प्रिस्क्राइबर हैं वो फिल करें यानी जो प्रिस्क्रिप्शन है उनको मतलब डिस्पेंस किया है ड्रग, द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट नीड फॉर ए हॉस्पिटल इज डिटरमाइंड यूजिंग द बेड्स, यानी एक हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट चाहिए वो किस पे डिटरमाइन करते हैं, बेड पे। तो देखिए ये फिनल बैंक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूर इसमें से पूछा गया था लास्ट बार, अब के बार भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अप टू 50 बेड हैं अगर उसमें तो कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए, 3 फार्मासिस्ट होना चाहिए। अगर वही हम बात करें अगर उसमें 100 स्ट्रेंथ है मतलब बेड की तो उसमें 5 फार्मासिस्ट होना चाहिए, अगर वहीं पे हम बात करें कोई हॉस्पिटल 200 बेड का है तो उसमें कंफर्म 8 फार्मासिस्ट तो होने ही चाहिए, और वहीं हम बात करें 300 बेड के हॉस्पिटल में उसमें 10 फार्मासिस्ट होने चाहिए, वहीं हम बात करें 500 बेड के हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मतलब हॉस्पिटल के बारे में तो उसमें 15 फार्मासिस्ट होने चाहिए। तो ये फिंगर ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूर आप इनको देख लें। फार्मासिस्ट डे में इंक्रीज एंड रिड्यूस एज रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड बढ़ रही है तो उसके अनुसार उसे इंक्रीज भी किया जा सकता है रिड्यूस भी किया जा सकता है।
अब देखते हैं इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, यानी इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रोफेशंस इज कॉल्ड इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। यानी जैसे फार्मासिस्ट का डॉक्टर के साथ, या नर्स के साथ, या कंपाउंडर के साथ, या एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं रिलेशनशिप। बढ़िया। टू गेट गुड रिजल्ट इज नेसेसरी टू मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस प्रोफेशन। यानी ये बात सही है, अगर आपको अच्छा रिजल्ट पाना है, यानी पेशेंट की ट्रीटमेंट में अच्छा रिजल्ट पाना है, तो आपको जो अदर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ अच्छे से मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। बिटवीन वेरियस प्रोफेशन हैज डॉक्टर प्रिस्क्राइब ड्रग, फार्मासिस्ट डिस्पेंस ड्रग एंड नर्स गिव टू पेशेंट। यानी जैसे कि आपको पता ही है कि जो डॉक्टर होता है वो ड्रग प्रिस्क्राइब करता है, और जो फार्मासिस्ट होता है वो जो है डिस्पेंस करता है, और जो नर्स होती है वो एडमिनिस्ट्रेट करवाती है पेशेंट को। अगर इसमें से अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है तो डॉक्टर मतलब अगर ये फार्मासिस्ट कुछ भी गलती करता है या ये नर्स कुछ भी गलती है तो भाई लॉस तो पेशेंट का होगा ना। तो इसलिए इन मतलब इनके जो बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव। और जो 3 कॉमन यूज टेक्निक्स, यानी 3 कॉमन टेक्निक्स हैं वो देखिए। इनिशियली दे इशू शुड बी डिस्कस विद द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कम्युनिटी एंड देन एडवाइस शुड गिवन टू मेडिकल स्टाफ। यानी पहला उनका यही होता है कि वो डिस्कस करते हैं फार्मेसी और जो थेरेपेटिक कम्युनिटी होती है, और एडवाइस देते हैं मेडिकल स्टाफ को। रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन टू इन्फॉर्म द मेडिकल स्टाफ अबाउट द इशू। यानी और जो रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो होता है उनको, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मेडिकल स्टाफ को प्रोवाइड करी जाए, इशू करी जाए। इनफॉर्मल डिसीजन विद द मेडिकल स्टाफ अबाउट द इशू, यानी इनफॉर्मल अगर कोई डिसीजन है उसको भी मेडिकल स्टाफ से इशू करवा दें। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए। सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में देखा, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, चीफ फार्मासिस्ट के बारे में, जॉब स्पेसिफिकेशन और जो उनके टास्क होते हैं डेली उनके बारे में देखा, वर्कलोड कितना होता है वो देखा, इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप देखें। ठीक है, तो अगर आप PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdscpharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, हम आप डेली अपडेट डालते रहते हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।